टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नाम है टिपिकल कंसंट्रेशंस। क्या डेफिनेशन होगी टिपिकल कंसंट्रेशन की, लिखिए। द कंसंट्रेशन टर्म्स विच डिफाइन फॉर ए पर्टिकुलर रिएजेंट रिएजेंट और सब्सटेंस इज कॉल्ड टिपिकल कंसंट्रेशंस। हमारे सिलेबस में दो टिपिकल कंसंट्रेशन है, फर्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड सेकेंड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। ये ओलियम क्या होता है? ये होता है मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3, सही है। तो ये तो रहा हमारे लिए फर्स्ट पार्ट, जो आपको बता रहा है कि टिपिकल कंसंट्रेशंस की डेफिनेशंस क्या है। ऐसा क्या कारण है कि ये पर्टिकुलर एक ही सब्सटेंस के लिए लगती है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेगा हमारे लिए, फर्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की डेफिनेशन लिखिए। द अमाउंट ऑफ लिबरेटेड O2 गैस इन लीटर एट STP बाय 1 लीटर ऑफ H2O2 सैंपल। H2O2 सैंपल का मतलब है H2O2 प्लस H2O इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, सही है। यानी आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ VS लिखना हो तो लिबरेटेड VO2 डिवाइडेड बाय H2O2 सैंपल लिखना है। ये लिए आपके लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि एक तरह से ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, तो इसकी कोई यूनिट इस तरह से तो होगी नहीं जैसे मोल डिवाइडेड बाय केजी या मोल लीटर। इसकी यूनिट होगी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कैपिटल वी ही हम इसकी यूनिट मान लेते हैं। यूनिट हम इसकी कैपिटल वी लिखते हैं पीछे, जैसे मोलरिटी की कैपिटल एम है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की कैपिटल वी है। आ रही है बात समझ में? लेकिन अब हमें ये फॉर्मूला क्यों बनाना पड़ा और ये क्यों H2O2 के लिए ही लगता है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहा। तो पहले तो आप H2O2 को देखिए, H2O2 इज अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन STP कंडीशंस इन ओपन इन क्लोज कंटेनर इट इज सेफ, इट इज सेफ, बट इन ओपन कंडीशंस इट
विल डिकम्पोज इन एच टू एंड ओ टू. रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, एच टू ओ टू डिकम्पोज होगा एच टू ओ प्लस हाफ ओ टू में, एच टू ओ प्लस हाफ ओ टू में डिकम्पोज होगा. किस कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन पर. तो जब ये डिकम्पोज होगा तो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये गैस है. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वी एस, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एच टू ओ टू, वो होगा कितना वॉल्यूम ओ टू आ रहा है आपको दिख ही रहा है गैस का, डिवाइडेड बाय वी एच टू ओ टू सैंपल. सैंपल क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें भी एच टू ओ है पहले से. सैंपल की जगह आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, बस यही आपके लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ है. यस और नो? क्लियर है? तो जब आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता चल गई तो आपका यही क्वेश्चन रहेगा कि यही आपके लिए दिमाग में रहेगा कि इससे रिलेटेड एग्जांपल कैसे आएंगे और ये मोलरिटी के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है. तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा रिलेशंस इसी के अंदर, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ. वॉल्यूम स्ट्रेंथ सही है. कोई डाउट नहीं है. कैसे डेराइव करेंगे? मान लीजिए एच टू ओ टू दिया गया है, एच टू ओ प्लस हाफ ओ टू, इसकी मोलरिटी एम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ये दो चीजें गिवन है. तो बताइए आप इसके मोल क्या होंगे? मोल ऑफ एच टू ओ टू कितना होगा? मोल ऑफ एच टू ओ टू निकालने के लिए आप क्या करते हैं? मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर देते हैं. मोलरिटी एच टू ओ टू, वॉल्यूम एच टू ओ टू सॉल्यूशन बोल दो या सैंपल बोल दो, ठीक है. ये किसका मोल आ गया? एच टू ओ टू का. तो मोल ऑफ ओ टू कितना बनेगा? हाफ मोल ऑफ एच टू ओ टू और हाफ मोल ऑफ एच टू ओ टू से वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ ओ टू कैसे निकालेंगे हम? मोल मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ ओ टू मल्टीप्लाई बाय 22.4, ऐसा हम शुरू से करते हैं. मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा. किसका आएगा? ओ टू का. तो बताइए मोल ऑफ ओ टू कितने? हाफ एम वी एच टू ओ टू सैंपल. ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ओ टू आ गया मल्टीप्लाई बाय 22.4. ये ओ टू का वॉल्यूम आ गया, ये एच टू ओ टू के मोल आ गए, ठीक है. ये वॉल्यूम आ गया एच टू ओ टू का. तो कुछ हमें फॉर्मूला लगा के निकालना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, और वो आपको बहुत अच्छे से आता है फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ का. तो आप कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एच टू ओ टू इज इक्वल टू, कैसे रखना पड़ेगा आपको? वी ओ टू कितना आ रहा है? वी ओ टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय वी एच टू ओ टू सैंपल.
मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय VH2O2 सैंपल। तो कुछ चीजें क्रॉस होने वाली है, V क्रॉस हो जाएगा एज इट इज, और ये बचेगा आपको क्या लग रहा है फाइनली ये वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, M मल्टीप्लाई बाय 11.2, और ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो अगर आपको मोलरिटी निकालना है, क्या निकालना है मोलरिटी किसकी, H2O2 की, तो आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 11.2 करके। ये एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया जो आप आराम से कर सकते हो। हाँ या ना, आया कुछ समझ में? तो ये हमने रिलेशन निकाल दिया H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ। क्या हम और भी कुछ चीजें निकाल सकते हैं? हाँ, अदर रिलेशंस। अदर रिलेशन कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट, यहां तक लिख लिया आपने अच्छे से? अदर रिलेशंस, फिर इसके लिए आपको अपनी अप्रोच लगानी पड़ेगी, और वो अप्रोच कुछ इस तरह की है। ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बना रहे हैं ये? यहां आपको एम दिया गया है, तो आप एम गिवन है, तो आप इसको क्या मान लोगे, 1 लीटर। तो यहां आपके पास मोल कितने हो जाएंगे H2O2 के, ये H2O2 है सॉल्यूट यहां पर और वाटर सॉल्वेंट है, कितने हो जाएंगे, मोलरिटी ही मोल हो जाता है जब 1 लीटर आप मान लेते हैं, तो ये कैपिटल एम ही मोल हो गया। तो बताइए इसका वेट कितना हो जाएगा H2O2 का, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय 34। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। तो ये आपके पास इसका वेट आ चुका है, अगर यहां डेंसिटी दिख जाए तो इसका वेट भी आ जाएगा, और मान लीजिए ये आपके पास 1000 D डेंसिटी गिवन है, तो बताइए इसका वेट क्या होगा आपके लिए, 1000 D माइनस 34 m होगा या नहीं होगा। डी अगर यहां डेंसिटी है ग्राम पर ml में, तो यहां पर मास कितना होगा 1000 D ग्राम, और 1000 D ग्राम में से 34 m अगर माइनस कर दोगे तो इस H2O का भी वेट आ गया आपके पास। आया या नहीं आया? तो अदर रिलेशन में कौन है, परसेंटेज सबसे पहले होगा आपके पास W/V। W/V निकालना बहुत आसान है, 34 m मास ऑफ H2O2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 1000। तो ये हमारे पास हो गया, और अगर हम m की वैल्यू रख देते हैं, कितना था m की वैल्यू, 22.4 का डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करना था, आप देखो m की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, हमें यहां थोड़ा सा मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, हम m की वैल्यू रखना चाहते हैं, m वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 लिख दूं मैं, और ये 200 काट दिया मैंने, और ये मैं क्या लिख दूं, 11.2, और अभी भी एक 10 बचेगा आपके पास, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये लगभग 3 टाइम्स कटेगा, लेकिन 10 की वजह से ये कितना हो जाएगा, 0.3 वॉल्यूम स्ट्रेंथ परसेंटेज W/V।
कोई दिक्कत आ रही है समझने में? आपने क्या निकाल दिया? परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी निकाल दिया। और क्या निकाल सकते हो आप? कुछ भी निकाल सकते हो आप तो। मोलरिटी निकालते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? एक बार और समझाना है। मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है आपको? H2O2 का। मोल ऑफ H2O2 कितने हैं आपके पास? मोल M। इस पॉइंट से हमने बनाया, हमने सिर्फ 1 लीटर एज्यूम करा था और सब निकालते चले जा रहे हैं। तो मोल कितने हैं? M। टोटल मोल कितने हैं? M प्लस 1000 D माइनस 34 M अपॉन 18। कोई दिक्कत ही नहीं है। और कौन निकालना चाहते हो आप? आपको मोलालिटी भी निकालनी है। तो मोल ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड किया है। सही है। तो ये इतने सारे रिलेशंस आपके साथ आ चुके हैं, लिख सकते हैं, लिखें आप इनको। ये हटा दिया जाए। तो H2O2 चार्ट आपको किस तरह से दिखेगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ चार्ट। आप H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिख दीजिए। जो जो कंसंट्रेशन आपने पढ़ी है वो देखिए। सबसे पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मोलरिटी। वो होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। आपने पढ़ा मुझसे परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी 0.3 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आपने मुझसे पढ़ा मोलालिटी और वो आपके पास ये रहा 1000 M की वैल्यू रख सकते हो आप चाहो तो। यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 अपॉन 1000 D माइनस 34 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दूंगा, आप 11.2 का डिवाइड करके मोलरिटी निकाल देंगे। लिखिए इसको। और भी बहुत सारे, देखिए हम सेकंड टिपिकल कंसल्टेशंस करने जा रहे हैं और वो है हमारे लिए कौन सी होगी? परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम।
परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम कैसे, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये ओलियम है क्या। ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ, ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड वैसे अपने आप में गैस होती है लेकिन H2SO4 में डिजोल्व आसानी से हो जाती है, तो आप मान के चलिए कि सल्फर ट्राइऑक्साइड आसानी से डिजोल्व भी होती है। किस में? H2SO4 में, ये नहीं कि बबल्स के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट SO3 इजीली डिजोल्व इन H2SO4, नहीं आसानी से डिजोल्व हो जाएगी, और कुछ हद तक ये फिर H2S2O7 की फॉर्मेट में लिखी जाती है उस समय, लेकिन मैं अभी सेपरेटली लिखूंगा H2SO4 + SO3। थर्ड पॉइंट, डेफिनेशन क्या है लेबलिंग, तो हमारे पास परसेंटेज लेबलिंग की डेफिनेशन बनेगी। इट शो द मैक्सिमम पॉसिबल, इट शो द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोड्यूस मास ऑफ H2SO4 बाय एडिंग वाटर इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम मिक्सचर, यानी हम ओलियम मिक्सचर के अंदर H2 ऐड करके कितने ज्यादा से ज्यादा हम H2SO4 बना सकते हैं, वो मैक्सिमम पॉसिबल मास हमारे लिए क्या कहलाएगा, परसेंटेज लेबलिंग। समझ में आ रहा है? तो देखिए बहुत आसान है, कोई ज्यादा खास ऐसी बात नहीं है। आप मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम है, आपके पास 100 ग्राम सैंपल है जिसमें आपके पास क्या है, H2SO4 भी है और SO3 भी है। समझ में आ रही है? दोनों चीजें आपके पास है, कौन, H2SO4 और SO3। आपने H2O मिलाया तो यही मिलेगा और ये क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तो पहले से ही पैदाइशी H2SO4 है, ये नहीं है, लेकिन SO3 H2 के साथ रिएक्शन करके H2SO4 मिलाएगा। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, उतना ही H2O मिलाना है जितना SO3 है। ज्यादा मिला देंगे तो फिर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा और हमें डाइल्यूट नहीं करना है, हमें प्योर H2SO4 लेना है। तो मान लीजिए ये x ग्राम है, सॉरी मान लीजिए ये w ग्राम है, x ग्राम आपने H2O मिलाया, ये कितना है 100 - x, बाद में भी 100 - x ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा w + x। w ग्राम ये था, x ये मिलाया, w + x, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, मैक्सिमम H2SO4 कितना हो जाएगा, 100 - x + w + x, यहाँ 100 - w आएगा, सॉरी क्योंकि w ये माना है तो 100 - w ये रहेगा, तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा, वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, परसेंटेज लेबलिंग। परसेंटेज लेबलिंग हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोड्यूस मास
ऑफ H2SO4, वो कितना मिल रहा है आपको, 100 माइनस W प्लस W प्लस X, तो इस हिसाब से आपके पास क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस X कितना हो जाएगा, 100 प्लस X होगा या नहीं होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज लेबलिंग। परसेंटेज लेबलिंग होगा, जब हमारे पास ये परसेंटेज लेबलिंग हो गया है, जहां 100 प्लस एक्स है और एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहां पर आपको मालूम है दोनों एलआर होंगे तभी ये पूरी तरह से रिएक्ट होगा, कौन, H2O, तो एक्स डिवाइडेड बाय 18, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 80, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, तो एक्स की वैल्यू यहां क्या आएगी, 18 W अपॉन 80, और ये W किसका मास है, SO3 का। तो हमारे को यहां पर अगर SO3 का मास दिया जाए या परसेंटेज दी जाए, 100 ग्राम में जो भी होगी वो परसेंटेज में होगा, तो हम X निकाल के यहां ऐड कर देंगे, लेबलिंग है तो परसेंटेज जरूर लगेगा पीछे, 100 प्लस एक्स, और अगर हमें परसेंटेज लेबलिंग दी गई है तो एक्स निकाल कर यहां रख के WSO3 भी निकाल सकते हैं, तो ये दोनों काम करेगा फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल मैं इससे रिलेटेड करा रहा हूं आपको, बहुत इजी एग्जांपल बनते, कोई ज्यादा खास टफ नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल, इफ परसेंटेज लेबलिंग ऑफ H2SO4 इज 109%, देन फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। यहां पर भी ओलियम ही आएगा क्योंकि हम लेबलिंग ओलियम की डिफाइन करते हैं ना कि H2SO4 की। तो क्या आप सॉल्यूशन बनाते वक्त कैसे करेंगे, 109 है तो 109 में ये जो x आ रहा है ये किसका मास होता है, H2 का। तो सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, मास ऑफ एडेड H2O कितना आएगा आपके पास, 109 जो दिया गया है माइनस 100 कर दो यानी 9 ग्राम, एंड वी नो दैट WH2O डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू WSO3 डिवाइडेड बाय 80। H2O का रखती आपके पास अगला स्टेप क्या आ जाएगा, WSO3 निकालोगे आप, तो WSO3 आपको क्या दिख रहा है इस जगह, WSO3 आपको दिखेगा यहां पर 80 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि आपको H2O का मास दिया हुआ है, फिर मैं बोल रहा हूं SO3 का निकालना है, 80 ऊपर गया, 80 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 9, तो कितना हो जाएगा ये, 40, क्योंकि सैंपल हमारा पूरा 100 ग्राम पे चल रहा है, तो यही 40 या हम बोल सकते हैं 40%। समझ में आ रहा है, हमने सैंपल 100 लिया है तो सारा काम हमारा बहुत इजी हो गया।
तो एक टेबल बन सकती है हमारे लिए। टेबल क्या होगा आपको यहां दिया जा रहा है ओलियम, परसेंटेज लेबलिंग के साथ। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 आपको बताना है और परसेंटेज ऑफ H2SO4 भी बताना है आपको। तो आप ही मेरे को बताइए, अगर आपको दिया जा रहा है 118% ओलियम, तो यहां 9 की जगह क्या होगा 18, तो ये कितना आएगा 80, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 20। अगर 109 रखा जाता तो आप 40, और ये क्या हो जाएगा 60। क्लियर है? अगर ये 104.5 रखा जाएगा तो 20, 40, और अगर ये आपके पास 100.225% रखा जा रहा है 10, 20, 90, और यहां क्या हो जाएगा 80। बिल्कुल ध्यान दें इस बात को। हाँ या ना? ये परसेंटेज आधी होती जा रही है क्योंकि ये अमाउंट 18 से 9, 9 से 4.5 और 2.25, यस और नो? तो ये भी आधी हो रही जा रही है, और 100 में से माइनस करना है 20, 60, 80 एंड 90। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो ये आपके पास बहुत प्यारी सी टेबल बन गई है, लिखिए इसको। ये लिख लिया आपने यहां से यहां तक का, तो हमारे लिए एक और कंसेप्ट है परसेंटेज ऑफ कंबाइंड SO3। हमने फ्री SO3 कहा है तो कहीं ना कहीं कंबाइंड SO3 भी होगा, समझिएगा। हमने फ्री SO3 बोला है तो कहीं ना कहीं कंबाइंड SO3 भी होगा, होगा ना? तो कैसे हम सोचते हैं कंबाइंड SO3 के बारे में? बहुत आसान है। परसेंटेज मतलब हम इसको डेफिनेशन कैसे बताएंगे? द अमाउंट ऑफ SO3 विच इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 जो है उसके अंदर भी आपके SO3 और H2O है ना? तो वो H2SO4 में जो SO3 है उसकी क्वांटिटी बतानी है आपको। तो ये जो कंबाइंड SO3 है, ये H2SO4 अगर आप देखोगे तो वो क्या है, H2O प्लस SO3, सही है? तो मान लीजिए इसको कैसे निकालोगे आप, इससे इसको कैसे निकालोगे, इसका जो भी मास है WH2SO4 का, उससे आप WSO3 को कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। WH2SO4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 98 H2SO4 के मोल आ गए, इतने ही मोल SO3 के होंगे, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 80 से, तो कंबाइन आ जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कंबाइन SO3 पूछा जा रहा है, तो आप परसेंटेज ऑफ H2SO4 में 98 का डिवाइड करके 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको करना है यहां पर।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, परसेंटेज लेबलिंग को परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की तरह देख सकते हैं, बस अंतर ये है कि परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू 100 से कम होता है और परसेंटेज लेबलिंग 100 से ज़्यादा होती है। बाकी कंसेप्ट वही है, उसमें भी प्योर मास आ जाता है डिवाइडेड बाय दिस, यहाँ H2O के बाद बनने वाला प्योर मास डिवाइडेड बाय दिस, तो दोनों सिमिलर कंसेप्ट से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया परसेंटेज लेबलिंग एंड परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एंड परसेंटेज प्योरिटी आर सिमिलर टर्म्स, हम सिमिलर टर्म्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि तीनों के फॉर्मूले मिलते जुलते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए मेरा एक बहुत पॉइंट हो जाएगा सेकंड कि प्योर एच टू एस ओ फोर जो मिलेगा आपको वो हो जाएगा एच टू एस ओ फोर ओलियम सैंपल, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ओलियम, मास ऑफ ओलियम मास ऑफ ओलियम सैंपल मल्टीप्लाई बाय, वहां हम क्या करते थे परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाय 100 यही करते थे, यहां पर भी बस वही करना है परसेंटेज लेबलिंग डिवाइडेड बाय 100 ही करना है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस अंतर ये है कि यहां लेबलिंग आपको 100 से ज्यादा देखने को मिलेगी, बस वहां 100 से कम होती थी, यहां 100 से ज्यादा है। वहां होता ये था सपोज ये 10 ग्राम है और प्योरिटी आपको 10% है, तो ये कितना हो जाता था 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100 यानी 1 ग्राम आता था, यहाँ 10 ग्राम है और लेबलिंग 110 है तो 110 डिवाइडेड बाय 100 तो आपका वो 11 ग्राम हो जाता है, 10 का 11 हो जाता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई दिक्कत नहीं है, श्योर लॉक कर दें इस कॉन्सेप्ट को, तो बनता है लिखना। तीसरा, आपको एक H2SO4 दिया हुआ है और एक H2SO4 ओलियम दिया हुआ है, दोनों में अंतर है। यहां आपको परसेंटेज प्योरिटी दी गई है और यहां आपको परसेंटेज लेबलिंग दी गई है, ऑब्वियसली परसेंटेज लेबलिंग हमेशा 100 से ज़्यादा होती है, कुछ भी दे सकते हैं 110% दे सकते हैं, यहाँ आपको 10% दे सकते हैं। मान लीजिए ये डब्ल्यू ई है, ये भी डब्ल्यू ई है, तो एच टू एस ओ फोर का मास कितना होगा इसमें प्योर, अब डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, जबकि यहां डब्ल्यू एच टू एस ओ फोर प्योर कितना मिलेगा आपको डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट है, तो प्योरिटी और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला सिमिलर है लेकिन एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, इज दैट क्लियर? तो आपको अप्रोच एक ही रखनी है करने की। तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक और पॉइंट आ रहा होगा फोर्थ नंबर का, कि प्योरिटी कब डिफाइन होगी, जब H2SO4 में कोई ऐसी चीज मिला दी जाए जो ओलियम नहीं बनाती हो, जैसे पानी मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, ठीक है ना, एक ऐसी चीज जो इनर्ट का काम कर रही है, बस अल्कोहल मिला दिया, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो इनर्ट का काम कर रही है, उसके साथ न तो रिएक्शन कर रही है कुछ भी नहीं कर रही है,
क्योंकि जब भी हम सैंपल बोलते हैं तो इसका मतलब वो उसके साथ रिएक्शन तो नहीं कर रहा होता। बोलो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो इसका मतलब हम परसेंटेज लेबलिंग ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर कभी हमसे पूछा जाए परसेंटेज लेबलिंग क्या होगा। लेबलिंग ये हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो W H2SO4 जितना प्योर बन जाएगा वो डिवाइडेड बाय W H2SO4 सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। प्योर हमेशा सैंपल से कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि सैंपल में पानी मिला के उसे और बढ़ा रहे हो आप। पानी मिलाने पर वो सैंपल प्योर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मास बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। इसीलिए मैं परसेंटेज लेबलिंग हमेशा 100% से ज्यादा बोलूंगा। जबकि दूसरी तरफ परसेंट बी पॉइंट ये हमारे लिए ए पॉइंट हो गया। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2SO4 अगर हम बात करेंगे तो W H2SO4 प्योर और W H2SO4 यहां पर भी सैंपल, लेकिन यहां सैंपल में वो चीज मिली हुई है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है और H2SO4 के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रही है। सही है? तो यहां इंप्योरिटी किसकी है? इज इनर्ट। इनर्ट का मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही। और प्योरिटी यहां पर 100% से क्या होगी? कम होगी। बस वहां इंप्योरिटी ऐसी चीज है, किसकी है इंप्योरिटी वहां पर देखा जाए तो इंप्योरिटी किसकी है? SO3 की है। आराम से, बहुत इजी है कंसेप्ट सारे। इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इंतजार कर रहा है, 6 नंबर का, 6 5th नंबर का। हमने लेबलिंग सोचा कि या उसकी कोई अपर लिमिट हो सकती है, देखते हैं। तो मैक्सिमम लेबलिंग जैसे प्योरिटी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, श्योर। और प्योरिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0.00000000 जो भी है, टेंस टू 1%, मतलब टेंस टू 0%, बहुत जीरो से थोड़ा सा, एग्जैक्ट जीरो मत बोलो। तो ये प्योरिटी हो सकती है, और मैक्सिमम 100, मिनिमम टेंस टू 0। लेकिन मैक्सिमम लेबलिंग क्या हो सकती है सोचा जाए, तो हम जब सैंपल लेंगे, एज्यूम में हमने सैंपल लिया, सैंपल ऑफ ओलियम लिया इज 100 ग्राम एंड एंड ऑल 100 ग्राम इज SO3, क्योंकि जितना ज्यादा SO3 होगा उतना ही ज्यादा लेबलिंग आएगी, ये हमें पता चल गया था। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। तो जितना ज्यादा SO3 होगा उतनी ज्यादा लेबलिंग आएगी। तो हमने सैंपल ऑफ ओलियम इज 100 ग्राम एंड ऑल 100 ग्राम इज SO3। तो अब आप H2O का मास कितना निकल, सो एडेड क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकालोगे आप? एज्यूम कर लिया X ग्राम,
तो आपको अच्छे से मालूम है x डिवाइडेड बाय 18 वाटर के मोल हो गए। एक बार और समझा देता हूं, दोनों के मोल बराबर होते हैं लिमिटिंग, एन एच टू ओ इज इक्वल टू एन एस ओ थ्री। एच टू के कितने मान लिए, एक्स डिवाइडेड बाय 18, और एस ओ थ्री का कितना मास से आपके पास, 100 डिवाइडेड बाय 80। तो इस तरह से आप जब मेहनत करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिवाइडेड बाय 8। पक्का? तो डिवाइड करिए तो कितना जाएगा, 8 2 16 दो बार, फिर बचेंगे 20, अगेन 8 2 16 दो बार, पॉइंट चार बचे, 22.5x आएगा। तो परसेंटेज लेबलिंग क्या होगी, मैक्सिमम लेबलिंग, हंड्रेड प्लस एक्स होता है, तो 100 प्लस 22.5 यानी कि 122.5 आपके पास लेबलिंग जाएगी मैक्सिमम। और मिनिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम लेबलिंग मान लो उसके अंदर कोई एसओ थ्री नहीं है, तो 100% से मिनिमम तो हो ही नहीं सकती, एज्यूम 0 ग्राम ऑफ एसओ थ्री, लिख लो एज्यूम 0 ग्राम ऑफ एसओ थ्री, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको बस धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, लिखें इसको।